पंचायती राज का यहाँ भी लागू कर दिया गया है और मैं मानता हूँ कि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के लिए सही मायने में ये पंचायती राज व्यवस्था आवश्यक है। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और संयोग से आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। पिछले दो चरणों के मतदान में जिस उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर के सामान्य मतदाताओं ने, नागरिकों ने हिस्सा लिया है, मैं उन सभी नागरिकों को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, पंचायती व्यवस्था में चार मुख्य बातों का ध्यान रखना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। फंक्शंस, फंक्शनरीज, फाइनेंस एंड फ्रेमवर्क। और ये जो चार चक्के हैं, अगर ये चारों चक्के दुरुस्त हैं तो मुझे लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था की गाड़ी ठीक तरह से चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर पंचायतों के फंक्शंस में एक नए प्रकार का बदलाव। जो नागपुर डिवाइडेड एम्बुलेंस है दो पार्ट में, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो शहर का क्षेत्र है जहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, झोपड़पट्टी है, ये कैसे अच्छी बनाए, नागपुर शहर कैसे अच्छा बनाए, नागपुर जिला कैसे अच्छा बनाए, फिर विदर्भ कैसे अच्छा बनाए, फिर मैं सोचता हूँ महाराष्ट्र का मैं हूँ, महाराष्ट्र कैसे अच्छा बने और फिर देश कैसे अच्छा बने। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा गाँव अच्छा होना चाहिए, कोई गलत नहीं है उसमें। और एक एक व्यक्ति ने तय किया कि मेरा गांव अच्छा बनाऊंगा, पूरा हिंदुस्तान अच्छा होगा। क्या क्रांति और इम्प्लीमेंटेशन में सामंजस्य बैठाने का है। इम्प्लीमेंटेशन के बगैर विचार की क्रांति और प्लानिंग का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि गांव का समग्र विकास तभी होगा जब वह बदलाव की भावना, इम्प्लीमेंटेशन की भावना एक साथ मिलकर के काम करें। जम्मू कश्मीर की संस्कृति, उसकी संपदा आज होगा और आप इसमें अगर इंटरेस्ट लेते तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। 1000 ऐसे युवा में अगर आए, 15 दिन का प्रोग्राम, 20 अम्बेसडर प्रोग्राम दिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है।